वाइट बारबेक्यू चिकन सब। सबसे पहले आ जाएंगे हम हमारे वाइट बारबेक्यू चिकन सब की तरफ, और इसके लिए हमने 1.5 पाव चिकन लिया हुआ है। यहाँ पे चिकन में हमने स्पेस बना ली इतनी, इसमें हमने एक प्याला रखा, इसको हम स्मोक फ्लेवर देंगे। सो ये कोयले के पीसेस मैंने ऑलरेडी चूल्हे पर रखे हुए थे, ये मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। और इसके बाद एक अदर ढक्कन पहले से हाथ में रखें, ये थोड़ा सा ऑयल 1-2 खाने के चम्मच हम इसमें डालेंगे, और थोड़ा ऑयल ज़्यादा डालेंगे उसकी वजह मैं आपको बताऊँगा। पहले हमने सिंपली ऑयल डाल, ये स्मोक बना, कवर कर दिया, और हम एक अदद पैन ले लेते हैं जिसमें हमने इसकी फिलिंग बनानी है। आपने सिंपली छुरी ली और इसका सेंटर टॉप से आपने इसको इस तरीके से काट दिया, बहुत नीचे तक नहीं जाना है, बस ऊपर ऊपर से, ये देखें। और इसके बाद हमने इसकी अंदर से जो पेट है इसका बन का, ये अंदर से खाली कर लेना है थोड़ा सा, बस। ये यहाँ पे चूल्हा बंद कर दिया, और यहाँ पे इस पैन में हमने डाल दिया मक्खन, इसको हम करेंगे थोड़ा सा मेल्ट, और ये कोयले का काम हुआ ख़त्म। और मैंने आपको इस तरह बताया, हमने ऑयल थोड़ा ज़्यादा डाला है तो ये ऑयल ज़ाया नहीं होगा, ये सारा का सारा ऑयल जो है हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इसमें सही मानों में बारबेक्यू फ्लेवर है, और आप चाहें तो इस तरह का स्मोक फ्लेवर वाला ऑयल बना के रख सकते हैं। और जब आपको किसी खाने को स्मोक फ्लेवर देना हो, क्योंकि कोयले पे चीज़ें पकाना ज़ाहिर बात है बहुत मुश्किल काम है, बहुत लोगों को आदत भी नहीं होती, उनके पास इक्विपमेंट नहीं होता, तो ये बेस्ट है, ऑयल बना के रख लें, और जब चाय निकाला और किसी भी डिश को स्मोक फ्लेवर देना है तो आपने सिंपली इसको स्मोक फ्लेवर दे दिया। ये बेसिकली ऑयल बड़े काम का है। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं, और ये मक्खन में हमने शामिल कर देना है चॉप किया हुआ प्याज, उसके बाद इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, फिर हमने इसमें शामिल करना है चॉप किया हुआ लहसुन, और वाइट बारबेक्यू से मतलब बारबेक्यू फ्लेवर होगा, ये कर दिया। इसके बाद हमने इसमें चिकन शामिल कर दिया 1.5 पाव, और इस 1.5 पाव चिकन से तकरीबन हम लोग बनाएंगे कुछ 6 से 7 सैंडविचेस। यही फिलिंग बनेगी, ये फिलिंग इसके अंदर आएगी, और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ी चीज़ आएगी, और फिर ओवन में थोड़ी देर के लिए बेक होगा। बस चिकन को फ्राई कर रहे हैं, इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा मैदा शामिल करेंगे। मैदा बेसिकली इसको थोड़ा सा ज़रा गाढ़ा करने के लिए सॉस के, मैदा शामिल करने के बाद मैदे को भी थोड़ा सा इसमें फ्राई करेंगे। पिंक सॉल्ट जो भी हम बात कर रहे थे, अगेन ग़ज़ाई से भरपूर, ये क्रीम, 1 कप पानी, इसको थोड़ा सा ज़रा लिक्विडी करने के लिए इसमें लेमन जूस थोड़ा सा, और साथ में काली मिर्च 1 खाने का चम्मच। इसके बाद हमने इस सबको मिक्स करना है, उबाल आएगा और विद इन 2-3 मिनट ये तैयार हो जाएगा। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं 1 कप चेडर चीज़, ये आ गई। उसके बाद मैं ये मिक्सचर सारा यहाँ पर शामिल कर देता हूँ, और असेंबलिंग बड़ी सिंपल, ये ब्रेड्स मैंने यहाँ पे रख दी आप सिंपली, और ये मिक्स जो है ये ज़रूरी नहीं किसी में डालें, नॉर्मल डबल रोटी स्लाइसिस में भी आप डाल सकते हैं, बर्गर में भी डाल सकता है। ये मिक्स लिया और इसको भरना शुरू कर दिया बस। और मैंने आपको बताया था कि हमसे 6 आराम से सैंडविचेस बन जाएंगे ठीक ठाक, और ये काफ़ी फिलिंग है। अभी हमने इसको अंदर से इसका पेट ब्रेड का खाली किया हुआ है, तो इसमें काफ़ी गुंजाइश है, ये हम इसमें डालते जाएंगे। इस पर मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़, इसको हमने कवर कर देना है बस इस तरीके से पूरा। अभी हमने ओवन में रख दिए वाइट बारबेक्यू चिकन सब्स, और मैं आपको दिखा भी दूँ थोड़ा सा, ये अभी 2 बचे हुए, 4 में वहाँ पे रख दिए, और आपको मैं इसी कर देगा। अच्छा, अब इसमें कलर आना शुरू हो गया, मैंने उसको इसी फीट ऑन की थी, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कलर आ रहा है, जैसे थोड़ा सा और कलर आएगा हम इसको निकालेंगे फौरन। हो गया बस, ये देखें बेहतरीन कलर आ गया इसका, और दैट्स हाउ इट शुड बी। ये मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। वाइट बारबेक्यू चिकन सब अरसा, चिकन बोनलेस स्ट्रिप्स 375 ग्राम, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चम्मच, प्याज चॉप्ड 1 अदद छोटी, चेडर चीज ग्रेटेड 1 कप, काली मिर्च क्रश्ड 2 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, मैदा 3 खाने के चम्मच, क्रीम 1 पैकेट, कोयला 1 टुकड़ा, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, मक्खन 3 खाने के चम्मच, सब बंस 6 अदद, मोजरेला चीज 1 कप। Add some masala to your life.